तरीके देवांगन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर में, और इस मॉनेटरी पॉलिसी की बात यदि हम लोग करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और यहाँ पे से प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, यहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न जो है वो अक्सर हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक जैसे हमने ये पढ़ा कि यदि देश को ऊंचाई पर पहुंचाना है, प्रॉपर ग्रोथ हम लोग को लाना है, तो मैनेज्ड तरीके से काम करना जरूरी होगा। और पिछले क्लास में हमने देखा कि जब हम लोग काम करने के लिए मार्केट में आते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब हम लोग मार्केट की अव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किए थे, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति बोले, अपस्फीति के नाम से जाने, ठीक है, या जैसे इन्फ्लेशन बोले, डिफ्लेशन बोले, स्टैगफ्लेशन बोले, ये सब क्या है, मार्केट में एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण मार्केट का हेल्थ खराब हो जाता है। तो दोस्तों उसी दौरान मैंने आप लोग को यह भी समझाया था कि यदि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई ना कोई उसको व्यवस्थित करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि यदि अव्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो पैसे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, और यदि पैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कहने का मतलब व्यक्ति की भी आर्थिक स्थिति खराब होगी और देश की भी आर्थिक स्थिति खराब होगी। और जो $5 ट्रिलियन का हम लोग सपना लेकर चल रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, वो कोसों दूर होते जाएगा। कहने का मतलब मैनेज्ड तरीके से काम करना दोस्तों हमें जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब परेशानी तो हम लोग समझ लिए, अब उस परेशानी को सॉल्व जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देश में इसे सॉल्व करने के लिए दो लोग बैठे हुए हैं, और मार्केट में मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, कि मनी को एक तय मात्रा तक बनाए रखने के लिए जो एक अथॉरिटी है भारत में, वो कौन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं RBI। तो RBI जो पॉलिसी लेकर आता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे RBI अपने डिफरेंट रेट्स के माध्यम से मार्केट को बैलेंस करने का या मनी सप्लाई को बैलेंस करने का प्रयास करता है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मनी जो है वो दो वर्ग के पास में होता है, एक तो जनता के पास में, एक दूसरा बनाने वाले के पास में। और यदि किसी के पास भी पैसा ज्यादा हो जाए तो मार्केट में अलग प्रकार का अव्यवस्था का वो जन्म दे देता है। तो कहने का मतलब मार्केट में कहां कितनी मनी मौजूद है, उसको कैसे बैलेंस करना है, वो सब काम कौन करेगा दोस्तों, RBI करेगा, और मार्केट को बैलेंस करने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि ये मौद्रिक नीति होता क्या है और ये मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन में जाते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संसद धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया दोस्तों कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, RBI करता है, ना कि भारत की संसद करती है। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत। दूसरा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी देश का केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि भाई भारत में वो संस्था जो है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सब चलिए समझते हैं हम लोग की मौद्रिक नीति एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैंने आप लोग को समझाया था कि जब भी कोई पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको, ठीक है, डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में ही सारा अर्थ जो है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो मौद्रिक, मुद्रा से बना मौद्रिक, और नीति या फिर पॉलिसी। तो सबसे पहले इस नीति या पॉलिसी शब्द को समझते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नीति जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को या गोल को अचीव करने के लिए अपनाए गए जो तौर तरीके हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, नीति बोला जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर गोल, तो यहां पर अर्थव्यवस्था में गोल क्या है, मार्केट में हेल्दी कंडीशन बनाए रखना ताकि खरीदी बिक्री हो और जिससे देश में प्रॉपर ग्रोथ का सिचुएशन देखने के लिए मिले। दूसरा, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो। तीसरा, गरीबी दूर हो, लोगों की आय में वृद्धि हो। तो ये सब क्या है दोस्तों,
ध्यान में रखिएगा, ये सब गोल है और इसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, एक मुद्रा की तय मात्रा जो है मार्केट में होनी चाहिए। तो इससे संबंधित जो नीति है, इन सारे गोल को अचीव करने से संबंधित जो नीति है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति कहलाती है। तो ध्यान में रखिएगा, इस नीति के तहत मनी के एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मार्केट में बनाए रखने का जो प्रयास है वो किया जाता है। ध्यान में रखिएगा एक और चीज, किसी भी देश में मुद्रा की एक तय मात्रा को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी होता है, हायर अथॉरिटी होता है। भारत में वो हायर अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मार्केट में मुद्रा की या मनी की एक तय मात्रा बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी होता है भारत में, वो जो एक स्वतंत्र निकाय है वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आरबीआई जो है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम करती है, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इस पॉलिसी के दो अंग होते हैं। यदि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मैं जाऊं तो इसके दो अंग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। एक को हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक उपाय और एक को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक उपाय, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति के गोल को अचीव करने के लिए दो टाइप के अप्रोच को आरबीआई जो है फॉलो करवाता है। पहला जो अप्रोच है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच, और दूसरा क्वालिटेटिव अप्रोच। तो ध्यान में रखिएगा, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है या क्वालिटेटिव अप्रोच होता क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वांटिटेटिव शब्द है वो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, क्वांटिटी या फिर मात्रा। तो यहां पर किसकी मात्रा की बात की जा रही है? मुद्रा की मात्रा की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब वो अप्रोच जिसमें, ठीक है, मनी सप्लाई को यहां पर क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। कहने का मतलब एक ऐसा अप्रोच, ठीक है, जो एक मुद्रा को तय सीमा तक बनाए रखने के लिए, कहने का मतलब इसमें मनी की क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या तो क्या होगी दोस्तों? कम होगी, या तो एक तय सीमा पर बनी रहेगी, ठीक है। तो इस अप्रोच को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो ध्यान में रखिएगा, मुद्रा को एक तय सीमा तक बनाए रखने के लिए आरबीआई जिस टूल्स का इस्तेमाल करता है वो टूल है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, बैंक रेट या बैंक दर, दूसरा रेपो रेट या रेपो दर, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, चौथा SLR, पांचवा CRR, MSF, ये सारे क्या हैं दोस्तों? टूल्स हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब क्वांटिटेटिव टूल हैं जिसके सहारे मुद्रा की मात्रा जो है या तो कम होगी या तो क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। जबकि क्वालिटेटिव टूल या क्वालिटेटिव अप्रोच क्वालिटी शब्द से मिलकर बना है। कहने का मतलब ध्यान में रखिएगा, इसमें मनी की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब मार्केट में जितनी मनी अवेलेबल है उतनी ही मनी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर मनी की क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्नत हो जाएगा, ठीक है ना। काम करने का क्वालिटी जो है यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोच को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक अवधारणा। इसके अंतर्गत में डायरेक्ट एक्शन या जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही कहते हैं, दूसरा मॉरल सुवेशन या जिसको नीतिगत दबाव के नाम से जानते हैं, ठीक है, तीसरा जो है ध्यान में रखिएगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या चयनात्मक साख नियंत्रण, ये सब गुणात्मक अवधारणा के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद में लोन राशनिंग और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो है, ठीक है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार। तो ये सब क्वालिटेटिव टूल के अंतर्गत में आते हैं। इसमें मनी की क्वांटिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कहने का मतलब ना ही मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी ना ही कम होगी, ध्यान में रखिएगा, लेकिन काम करने की गुणवत्ता यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, बदल जाएगी, फाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को मेन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ठीक है एक हायरार्की को समझेंगे, यदि उसको समझ गए तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए उस हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने क्या बोला कि भाई भारत में मुद्रा को एक तय मात्रा तक बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है, केंद्रीय बैंक, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा आरबीआई जो है वो प्रत्येक क्वार्टर में, ठीक है, प्रत्येक तीन तीन महीने में इस पॉलिसी को रिवाइज करती है। आप लोग देखे होंगे हर तीन महीने में इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी होता है और जिसमें लोन रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो क्या कर देते हैं दोस्तों, कम कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आरबीआई जो पॉलिसी लाता है वो कमर्शियल बैंकों के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने क्या बोला, वो कमर्शियल बैंकों के लिए एप्लीकेबल होता है। कमर्शियल बैंक उस हिसाब से नीचे अपनी पॉलिसी कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए सेट करते हैं। ठीक है, इस हायरार्की को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों आरबीआई जो है वो अपने कमर्शियल बैंकों के माध्यम से ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और आरबीआई के लिए जितनी भी नीतियां आएंगी वो सब कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल होंगी। और कमर्शियल बैंक उस हिसाब से अपनी नीति जो है वो ग्राउंड लेवल पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो सबसे पहले इस हायरार्की को समझिएगा। ध्यान में रखिएगा कस्टमर्स का यदि अकाउंट की बात करते हैं तो वो कहां पे रहता है, कमर्शियल बैंकों के पास में रहता है। हमारा डायरेक्ट अकाउंट जो है आरबीआई के पास में नहीं होता, वही कमर्शियल बैंकों का भी जो अकाउंट होता है वो किसके पास में होता है, आरबीआई के पास में होता है, और वो सीआरआर के रूप में जो है अपनी संपत्ति वहां पर रखते हैं। ध्यान में रखिएगा हमको यदि लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कमर्शियल बैंक के पास में जाते हैं, और वैसी ही कमर्शियल बैंकों को यदि लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसके पास में जाते हैं, आरबीआई के पास में जाते हैं। साधारणता क्या देखते हैं दोस्तों, जब हमको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ना कुछ कोलैटरल हम लोग यहां पर गिरवी रखते हैं, कुछ ना कुछ एक संपत्ति यहां पर गिरवी रखते हैं, और उसके बेस पे ही हमको ऋण दिया जाता है। वही क्या देख रहे हैं, यदि कमर्शियल बैंकों के भी आरबीआई के थ्रू लोन लेना है तो उनको भी कुछ ना कुछ यहां पर संपत्ति जो है वो गिरवी रखनी चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान में रखिएगा हमारे लिए जो भगवान के जैसे वो कौन है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि हम लोगों को जब बहुत अति आवश्यकता होता है तब वो हमारी क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है। वैसे कमर्शियल बैंकों के लिए यदि भगवान की बात किया जाए तो वो कौन होंगे, आरबीआई। ठीक है ना, वर्तमान में यदि आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। वैसे ही मैंने क्या बोला, आरबीआई जो भी नीति लेकर आएगी वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, कमर्शियल बैंकों के लिए, और कमर्शियल बैंक उस हिसाब से अपनी नीति क्या करेंगे दोस्तों, सेट करेंगे। क्लियर है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, कहने का मतलब यदि लोगों के पास में ज्यादा पैसा होगा तो लोगों के पास में ज्यादा पैसा होने के कारण डिमांड ज्यादा होगा, और जैसे ही डिमांड ज्यादा होते जाता है प्राइस क्या होते जाता है दोस्तों, बढ़ते जाता है, और जो गरीब जनता और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए दोस्तों, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कम करेगा, अपने डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल के माध्यम से करेगा। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, वो टूल कौन कौन से थे, बैंक रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, रिवर्स रेपो हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ये सब क्या है यहां पर, डिफरेंट रेट्स है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इन डिफरेंट रेट में कोई ना कोई चेंजेस करेगा। और ध्यान में रखेगा आरबीआई जो भी चीज अप्लाई कर रहा है वो किन के लिए होगा, कमर्शियल बैंकों के लिए। सपोज करो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा अकाउंट किसके पास में होता है, कमर्शियल बैंकों के पास में होता है। सपोज करो हमारा 100 करोड़ रुपया जो है कमर्शियल बैंकों के पास में जमा है। कमर्शियल बैंक इन्हीं पैसों का क्या करते हैं दोस्तों, व्यापार करते हैं। इन्हीं पैसों का कमर्शियल बैंक क्या करते हैं,
व्यापार करते हैं। अब इस 100 करोड़ के जमा पर हमको बैंक कुछ ना कुछ क्या दे रहा होगा, ब्याज दे रहा होगा। बैंक कितना ब्याज दे रहा होगा, सपोज कर लो जैसे FD के फॉर्म में रखे हुए हैं तो 7% जो है वो लगभग लगभग हमको क्या दे रहा होगा, ब्याज दे रहा होगा। तो कहने का मतलब ये 7% पैसे की व्यवस्था, ठीक है ना, कैसे कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। कहने का मतलब कमर्शियल बैंक जो है किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को ये 100 करोड़ क्या दे रहे होंगे, उधार दे दे रहे होंगे, ठीक है ना, 8% 10% 11% पर उधार दे रहे होंगे, तभी तो हम लोग को वो 7% ब्याज चुका रहे। सही बात है कि नहीं? ठीक, अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि ये जो रेट है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसको समझने के लिए और भी हम लोग को क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो 7% के आसपास हम लोग को ब्याज देना है, ठीक। तो ये उधार दे दिया, ठीक बात है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लो कि मैंने आप लोग को कंडीशन बताया था कि मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा होने के कारण डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो RBI क्या करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा ग्राउंड लेवल पर। तो कैसे करेगा, RBI जो है वो रेपो रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। RBI रेपो रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये समझेंगे ये रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट बढ़ा दिया, सपोज करो, ठीक है, जैसे कस्टमर कोई लोन ले रहा है किससे, कमर्शियल बैंकों से, तो उसको लोन पर 8% क्या चुकाना पड़ रहा है, ब्याज चुकाना पड़ रहा है, 8% ब्याज चुकाना पड़ रहा है, ठीक बात है। या 10% ब्याज चुकाना पड़ रहा होगा, या तो 11% ब्याज चुकाना पड़ रहा होगा। वैसे ही कमर्शियल बैंकों की भी जब लोन की जरूरत पड़ी, है ना, तो कमर्शियल बैंक भी किससे लोन ले रहे हैं, RBI से लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन रेट कौन डिसाइड करेगा, RBI डिसाइड करेगा, ठीक बात है कि नहीं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे कमर्शियल बैंकों ने लोन लिया है रेपो रेट के थ्रू, एक लोन रेट है रेपो रेट, सपोज कर लो कि ये कितना परसेंट है, 6%, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक यदि RBI से उधार ले रहे हैं तो 6% ब्याज जो है RBI को उनको चुकाना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं, क्लियर है। अब ध्यान में रखिएगा, जब 6% ये चुका रहे हैं तो कस्टमर से ये 8% तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे, बिल्कुल वसूलेंगे जी, क्योंकि 6% को तो 6% तो इनको स्वयं को पड़ रहा है। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा, और RBI चाहता है, ठीक है ना, RBI चाहता है कि मनी सप्लाई को कम करे, तो ये रेपो रेट को 6% से बढ़ाकर क्या कर दिया, 7% कर दिया। कहने का मतलब कमर्शियल बैंकों को अब ज्यादा जो पैसा है किसको चुकाना पड़ेगा, RBI को चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। RBI को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, तो 7% जब इनको लोन में पड़ रहा है तो ये जो कस्टमर है उनसे 9% या 10% पैसा लेना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तुरंत अपनी पॉलिसी क्या की है, ये रिवाइज किए, 9% या 10% पैसा जो है वो वहां से उधार लेने लगे, ठीक है ना, या लोन रेट कर दिए, तो कस्टमर को ज्यादा जो पैसा है, ठीक है ना, लोन के रूप में किसको चुकाना पड़ेगा, कमर्शियल बैंकों को। और धीरे धीरे जो कस्टमर का पैसा है वो बैंकों के माध्यम से कहां पहुंचने लगेगा, ऊपर पहुंचने लगेगा, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। वैसे ही मान लो कि मनी सप्लाई यदि कम है तो ये 6% जो था उसको 5% यदि कर देंगे, तो बैंक भी जो है जब उनको लोन सस्ता पड़ रहा है तो बैंक वाले भी जो है वो कस्टमर के लिए भी लोन क्या कर देंगे, सस्ता कर देंगे। और यदि लोन सस्ता होगा तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो बैंकों के पास पहुंचकर, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा मनी सप्लाई कहां पे होगा, मार्केट में होगा। मतलब बहुत सारे लोग यदि 5% 6% में होम लोन मिल रहा है, तो जो 4-5 साल बाद जो घर बनाने वाले थे उनको ये दिखा कि भैया अभी लोन रेट सबसे क्या है, कम है, ठीक है, और उन्होंने अभी क्या कर ली, प्लानिंग कर ली, 10-20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया उन्होंने लोन लिया। अब वो लोन का पैसा जैसे लेकर पहुंचे अपना घर बनाना स्टार्ट किए, तो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ दोस्तों, लोगों के पास में हुआ, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को क्या कर दिया, सस्ते लोन ने बढ़ा दिया, ठीक। वैसे महंगे लोन ने मार्केट में मनी सप्लाई को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, RBI अपने डिफरेंट रेट के माध्यम से। यहां यदि आपको समझना है, ठीक है, तो जैसे अभी दीपावली, ठीक है ना, फेस्टिवल जस्ट अभी गुजरा है, ठीक है, उसमें आप सभी ने, लगभग लगभग सभी ने लक्ष्मी माता की फोटो को बहुत ध्यान से देखा हो,
ठीक है। लक्ष्मी माता ने क्या किया हुआ है, हाथ ऐसे किया हुआ है, और यहां से आप लोगों को क्या दिखता है कि बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के जो है नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब जैसे ही उनके हाथ से सिक्के जो है वो नीचे फर्श पे फैलते जाएंगे, कहने का मतलब धन भंडार क्या होते जाएगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा। और यहां पर देश के लिए जो भगवान का काम है वो कौन कर रहा है, ध्यान में रखेगा आरबीआई। तो आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि यदि शक्तिकांत दास जी के हाथ से या आरबीआई के हाथ से एक रुपया भी कैश जो है वो नीचे पहुंच रहा है, कहने का मतलब वो मनी सप्लाई को क्या कर देगा दोस्तों, बढ़ा देगा। क्लियर बात है कि नहीं। और वही यदि एक रुपया से ज्यादा या एक रुपया भी यदि शक्तिकांत दास जी या आरबीआई के पास में वापस आ रहा है, तो जिससे मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब लक्ष्मी माता के फोटो को आप लोग उल्टा ज़ूम कीजिए, वो धरती से पैसों को खींच रही है, तो धीरे धीरे धरती पे स्वर्ण का भंडार क्या होते जाएगा दोस्तों, कम होते जाएगा, मतलब मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब आपको ध्यान में यह रखना है केवल कि आरबीआई के हाथ से पैसा निकल रहा है कि आरबीआई के पास में पैसा वापस आ रहा है। यदि एक रुपया भी कैश के फॉर्म में नीचे आएगा तो मनी सप्लाई को क्या कर देगा दोस्तों, वो बढ़ा देगा। यदि एक रुपया, ठीक है ना, कैश वापस से आरबीआई के पास में जाएगा तो वो मनी सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस पूरे टॉपिक में आपको केवल इतना ही बात को ध्यान में रखना है कि कैश जो है आरबीआई के पास में पहुंच रहा है कि वहां से रिलीज हो रहा है। यदि रिलीज होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, यदि वापस आएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी दोस्तों, कम होगी, ठीक है कि नहीं। और आरबीआई जो है इन डिफरेंट रेट्स के थ्रू, ठीक है ना, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। चलिए देखते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं हम लोग बैंक रेट, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, यह वह ब्याज दर है, वह ब्याज दर, ठीक है ना, बैंक रेट क्या है, वह ब्याज दर जिस पर समस्त कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक अपने, ठीक है ना, तो वह ब्याज दर जिस पर समस्त वाणिज्यिक बैंक अपने दीर्घकालीन ठीक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ध्यान में रखिएगा, वह ब्याज दर जिस पर समस्त वाणिज्यिक बैंक अपने दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो आरबीआई से ऋण लिया है उस पर दिया जाने वाला ब्याज, तो वह ब्याज दर जिस पर समस्त वाणिज्यिक बैंक अपने दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो आरबीआई से ऋण लेकर रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यदि बैंक रेट से ऋण चाहिए तो एक तो सबसे पहले कौन सा टर्म, लॉन्ग टर्म। और ध्यान में रखिएगा, बैंकिंग के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा यहां पर पॉइंट जो है, यदि बैंक रेट से या बैंक रेट के थ्रू यदि हमको ऋण चाहिए तो यहां पर कोई भी कोलैटरल रखना नहीं होता, कोई भी वस्तु या गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी यहां पर गिरवी रखनी नहीं होती। अब उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, समझिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि बैंक जो है हमारे पैसों का ही व्यापार करते हैं, तो बैंक जो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी भी खरीद के रखे हैं वो हमारे पैसे का ही खरीद के रखे। सपोज करो जैसे ही जनता का 100 करोड़ रुपए यहां पर जमा हुआ, ठीक है, कमर्शियल बैंक ने क्या किया, कोई लोन लेने वाला नहीं था तो 100 करोड़ का, ठीक है, उसने गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीद लिया, जैसे किसान विकास पत्र वगैरह हो गया या अन्य कोई सेविंग स्कीम वगैरह हो गई, वो खरीद लिया। रीजन क्या भैया, वो लोन में बांटे चाहे ना बांटे, अगर आपने पैसा जमा किया है तो आपको 7% ब्याज तो चुकाने हैं, तो वो 7% पैसे की व्यवस्था कहां से करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि कोई ऋण लेने वाला नहीं है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी खरीद लिया। अब यदि उसको ऋण चाहिए तो इसी सिक्योरिटी को कहां पर गिरवी रखना पड़ता, आरबीआई के पास में। अब हो सकता है कि कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म मतलब साल भर से ज्यादा का जब ऋण चाहिए, 50 करोड़ का ऋण चाहिए,
और 50 करोड़ की सिक्योरिटी खरीद के वो अगर जमा कर देगा किनके पास में, आरबीआई के पास में, और यदि आप उस कंडीशन में बैंक पहुंचे और बोले कि भैया मुझको मेरा पैसा वापस दो, तो क्या कमर्शियल बैंक उस पैसे को चुका पाएंगे? क्या नहीं चुका पाएंगे? कैसे लगेगा यदि बैंक वाले बोले कि ओ ग्राहक कल आना, ठीक है? तो कहने का मतलब ध्यान में रखिएगा, बैंक जो है हमारे पैसे का व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों के साथ में जाती ना हो, उनका पैसा जो है वो उनको सही समय पर मिल जाए करके, जब भी बैंक रेट के थ्रू लोन जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देता है, तो वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बैंक रेट कहा जाता है। तो यदि बैंक रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन कौन चुका रहा होगा? कमर्शियल बैंक, ठीक है ना? कमर्शियल बैंक किसको ज्यादा लोन चुका रहे होंगे? आरबीआई को। और जब वो लोन ज्यादा चुका रहे होंगे तो पैसे का फ्लो जो है किसके पास में ज्यादा होगा? आरबीआई के पास में ज्यादा होगा, और मार्केट में कहीं ना कहीं मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। दूसरा रेट में आते हैं हम लोग, दूसरा रेपो रेट, या जिसे बोला जाता है रीपर्चेस ऑप्शन रेट। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, नाम से ही क्लियर है, यहां पर कुछ ना कुछ रीपर्चेस करने के लिए बोला गया होगा, ठीक बात है कि नहीं? चलिए देखते हैं इसको भी डिफाइन करते हुए। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई के समस्त क्लाइंट, अब यहां पर एक नया शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, आरबीआई के समस्त क्लाइंट, जबकि पहले मैं क्या किया था, मैं केवल वाणिज्यिक बैंक। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई के समस्त क्लाइंट, अब इनके क्लाइंट में कौन कौन आता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, LIC, GIC, NBFC, EPFO, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि आयोग वगैरह, ये सब आरबीआई के क्या है? क्लाइंट है। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई के समस्त क्लाइंट, ठीक है, अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति हेतु, अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिभूतियों के जमा एवं उनके पुनः क्रय की शर्त के आधार पर जो ऋण देती है। कहने का मतलब ये क्या है? रेपो रेट, ठीक है, कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है। किनको दे रहा है? कमर्शियल बैंकों को दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब यहां पर सामान्यता होता है एक दिवसीय ऋण, या फिर 1 से 7 दिवसीय, या फिर 14 दिवसीय ऋण, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के लिए, अति अल्प समय के लिए, क्योंकि बैंकों के पास में समय समय पर पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ता भी है और क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तो कमर्शियल बैंकों को यदि शॉर्ट टर्म के लिए ऋण चाहिए, तो एक तो सबसे पहले उनको कोई ना कोई एक कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा। सपोज कर लो 10 करोड़ का कोलेटरल गिरवी रखना पड़ा, 10 करोड़ का कोलेटरल यहां पर गिरवी रखना पड़ा, और जब ये गिरवी रखे, ठीक, तो किस शर्त पर गिरवी रख रहे हैं? भैया यहां पर तो इनको कैश मिल जाएगा, और जो भी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा होगा आरबीआई, वो तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, प्लस गिरवी भी रखना पड़ेगा, और वो भी कब? सपोज कर लो 7 दिन के लिए उसने यहां पर लेके रखा है, तो 7 दिन के भीतर में इनको पूरा पैसा चुकाते हुए ये जो असेट है इनको वापस से खरीदना पड़ेगा। मतलब है ना, क्या देख रहे हैं कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई के समस्त क्लाइंट अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिभूतियों के जमा एवं उनके पुनः क्रय के शर्त के आधार पर जो ऋण आरबीआई से लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? रेपो रेट या रीपर्चेस ऑप्शन रेट, है ना? मतलब जो भी जमा आपने वहां पर किया गया है, यू हैव टू रीपर्चेस ऑल द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, दैट इज रेपो रेट।
क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, एक दिवसीय, सात दिवसीय और 14 दिवसीय सामान्यतः इसमें ऋण लिए और दिए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहां पर एक पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। इस हेतु SLR कोटा, मतलब ठीक है, रेपो रेट के थ्रू लोन लेने के लिए SLR कोटा का प्रयोग नहीं कर सकते, SLR कोटा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा 5-10 मिनट और हम लोग को वेट करना पड़ेगा, फिर मैं वापस से यहां पे आऊंगा कि क्यों भाई हम, ठीक है, रेपो रेट के थ्रू लोन लेने के लिए SLR कोटा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग सभी, ठीक है। ये था रेपो रेट। अब आते हैं RRR, ठीक, या फिर रिवर्स रिपर्चेस ऑप्शन रेट। अब ध्यान में रखना, रिवर्स, रिवर्स कहने का मतलब ये आरबीआई हुआ और ये कौन होंगे, कमर्शियल बैंक। अभी ऋण की किसकी जरूरत थी, रेपो रेट के थ्रू कौन लोन ले रहा था, कमर्शियल बैंक एज वेल एज अदर क्लाइंट्स, ठीक है ना। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, ठीक है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, मतलब अब आरबीआई को अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब कमर्शियल बैंकों से आरबीआई जब ऋण लेना चालू करे तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, रिवर्स रिपर्चेस। तो ध्यान में रखिएगा, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक बैंकों से वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण, वो भी किस बेस पर, प्रतिभूतियों के जमा एवं उनके पुनः क्रय के शर्त के आधार पर, प्रतिभूतियों के जमा एवं उनके पुनः क्रय के शर्त के आधार पर। मतलब यदि आरबीआई को ऋण की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंकों के पास में जाएंगे और उनको भी कोई ना कोई एक कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कौन से शर्त पर, ठीक, कि जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप यहां पर लोन लिए हो, जैसे अल्प आवश्यकता बोला है, मतलब ठीक है ना, ये कैसा ऋण होगा, शॉर्ट टर्म ऋण होगा, शॉर्ट टर्म का ऋण मतलब 1 दिवसीय, 7 दिवसीय और 14 दिवसीय ऋण होगा। तो कहने का मतलब, यदि 7 दिन के लिए लेकर ये ऋण रखा हुआ है तो विद इन 7 डे, ठीक है ना, या 7वें दिन उनको पूरा पैसा जमा करते हुए इस कोलेट्रल को वापस से क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रिपर्चेस ऑप्शन रेट या फिर RRR, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं SLR, दैट इज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान में रखिएगा, ये SLR होता क्या है, ठीक है ना, देखो, बैंकों को अपने कुल मांग व सावधि जमा या टोटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, बैंकों को अपने कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग अपने पास, मतलब बैंकों को अपने कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग अपने पास, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तरल मुद्रा के रूप में रखना अनिवार्य होता है। किस लिए अनिवार्य होता है, ताकि जनता की
आवश्यकता की पूर्ति, ताकि जनता की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो जैसा कि मैंने क्या बोला, बैंकों को अपनी कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग हमेशा अपने पास में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रखना हो, ताकि जनता की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। फिर से हम लोग एक हायरार्की के ऊपर में चलते हैं। जैसे आरबीआई हो गया, यहां पर कमर्शियल बैंक हो गए, और यहां पर कौन हो गया दोस्तों, कस्टमर हो गया। मैंने जैसा आपको क्या बताया कि जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे ही पैसे का उपयोग करते हैं अपने व्यापार करने के लिए। जैसे मान लो कि कस्टमर का 100 करोड़ रुपया जो है कमर्शियल बैंकों के पास में जमा होगा कि नहीं होगा, ठीक है भैया। इस 100 करोड़ के ऊपर में बैंकों को क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। किनको ब्याज चुकाना पड़ेगा, कस्टमर को ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो बैंक क्या चाहेंगे कि जैसे ही उनके पास में पैसा आए, वो पैसे को वो किसी दूसरे व्यक्ति को लोन में बांट दे, ठीक बात है। यहां पर आरबीआई बोलता है, कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, कि एसएलआर आपको मेंटेन करना पड़ेगा जनता की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब कस्टमर को या जनता का जो पैसा वहां पर जमा है, कितना पैसा जमा है, 100 करोड़ जमा है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ये जो जमा है, ठीक है ना, ये जो जमा है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मांग जमा, या जिसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और दूसरा होता है सावधि जमा, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। मांग जमा में हमारे आते हैं सेविंग अकाउंट, और ध्यान में रखिएगा करंट अकाउंट, मतलब जो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में होता है, हम लोग कभी भी उसको स्वाइप कर सकते हैं, कभी भी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दूसरे को भेज सकते हैं, या कभी भी उसको कैश में हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी के कारण हमने वो पैसे को किस में रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही क्या है, कभी ना कभी जो है मैं फ्रिक्वेंट इस पैसे को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, ठीक बात है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, मांग जमा, ठीक। दूसरा होता है सावधि जमा, जो होता है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में या फिर रिकरेंट डिपॉजिट के फॉर्म में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करवाते हैं, ठीक बात है कि नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 3 साल 5 साल, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, ठीक। तो बैंकों के पास में जो जनता का कुल जमा होता है वह दो फॉर्म में होता है, एक मांग जमा और दूसरा सावधि जमा, ठीक है। मतलब अगर वर्तमान में मैं बात करता हूं तो लोगों का केवल 10% जो पैसा है वो ही डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, बाकी 90% जो पैसा है वो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब लोग जो है एफडी आरडी ज्यादा करवा के बैंक के पास में रखे हुए हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भले ही 5 साल के लिए किसी ने पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है, लेकिन अचानक उसकी जरूरत पड़ गई, आखिर है तो जनता का ही पैसा, तो बैंक देने के लिए लायबल होंगे कि नहीं, बिल्कुल लायबल। और इसी के कारण हम लोग देख रहे हैं कि इस पैसे को भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं, भले ही 5 साल के लिए मैं यहां पर जमा कर रहा हूं, अगर मुझको इंस्टेंट में पैसे की जरूरत है तो मैं अपना एफडी अकाउंट को क्या करूंगा, ब्रेक करवाऊंगा, कुछ पेनल्टी भरूंगा, और उस पैसे को क्या कर पाऊंगा, फिर मैं उपयोग कर पाऊंगा। ध्यान में रखिएगा डिमांड डिपॉजिट जो है उसमें हम ये अश्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि भैया मैं 2 साल 5 साल के लिए उसको छूंगा नहीं, और इसी के कारण डिमांड डिपॉजिट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कमर्शियल बैंक कम देते हैं, जबकि मैं यहां पर इनको अश्योर करवा रहा हूं कि 5 साल तक मैं इस पैसे को छूने नहीं आऊंगा, इसी कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा 5 साल पहले भी मैं इसको ब्रेक करवा सकता हूं और बैंक लायबल होंगे उस पैसे को रिटर्न करने के लिए। तो कहने का मतलब कुल मांग व सावधि जमा पूरा कितना होगा, 100 करोड़। अगर जनता का कितना जमा हुआ है, 100 करोड़, सपोज करो इस 100 करोड़ में से मैं 10 करोड़ निकाल लिया, तो अब कितना बचा मेरे पास में, 90 करोड़ बचा। अब मेरे पास में कितना बड़ा बचा, ठीक है, 90 करोड़ बचा। तो वर्तमान में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कितना है, 90 करोड़, ठीक। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कितनी होगी, 90 करोड़। अगर मैं फिर से वापस से 10 करोड़ जमा कर दिया तो वापस से मेरा एनडीटीएल कितना हो जाएगा, 100 करोड़,
ठीक है ना। अब ध्यान में रखिएगा मैंने क्या बोला, SLR क्या है, SLR क्या है, ठीक है कि भैया मैंने क्या बोला कि भले ही पैसा डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है लेकिन ब्याज तो चुकाना पड़ ही रहा है ना, मतलब बैंकों के लिए वो क्या है, घाटा। तो बैंक क्या चाहेंगे कि जैसे ही पैसा उनके पास में आए पूरे पैसे को लोन में वो बांट दे, 8%, 10%, 12% के हिसाब से वो लोन में बांट दे। तभी तो आपको फिक्स डिपॉजिट में 7% और डिमांड डिपॉजिट में लगभग 3% के आसपास क्या चुकाएगा वो, ठीक है, इंटरेस्ट चुकाएगा। तो पूरे 100 करोड़ को अगर ये लोन में बांट दिए और कल के डेट में आप अपना पैसा डिमांड करने के लिए गए और यदि बैंक आप लोग को बोल दे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है भैया, ठीक है मैंने तो लोन में बांट दिया क्योंकि आपको इंटरेस्ट चुकाना है करके, तो क्या ये सही होगा, क्या नहीं होगा। तो आरबीआई क्या बोलता है कि बैंकों को, ठीक है ना, बैंकों को अपने कुल एनडीटीएल का एक भाग हमेशा अपने पास जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखना क्या होगा, अनिवार्य होगा। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, SLR, उस पैसे को छू नहीं सकते, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिएगा मैंने यहां पर कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहां पर किस शब्द का इस्तेमाल किया, तरल रूप में, मतलब ये गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, ये सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक बात है कि नहीं। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोगों की इंस्टेंट डिमांड जो है, क्योंकि चूंकि लोग जो है केवल 10% पैसा बस है अपने कुल पैसे का वो सेविंग अकाउंट के रूप में रखते हैं, कहने का मतलब यदि लोग जो है बैंक के सारे कस्टमर भी एक साथ आएंगे ना तब भी अपने तुरंत में कितने परसेंट पैसे का डिमांड कर पाएंगे, 10%, और वो भी एक साथ कभी भी नहीं पहुंचने वाले, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, बैंक के ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आ जाती, ठीक। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कमर्शियल बैंकों को एक गाइडलाइन दिया जा रहा है, गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि भैया कि बैंकों को अपने कुल एनडीटीएल का या कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग हमेशा अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी होगा ताकि जनता को वो पैसा उनके मांग के अनुरूप दिया जा सके। इसी को क्या बोला जाता है, SLR। जैसे वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं, SLR का जो रेट है वो 18%, ठीक बात है, मतलब 100 करोड़ में से 18 करोड़ जो है बैंकों को अपने पास में तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा एक छूट यहां पर दी जा रही है, चूंकि 18 करोड़ रुपया यहां पर बैंकों के पास में है, ठीक है, उस 18 करोड़ पर आपको क्या देना पड़ेगा, बैंकों को ब्याज देना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, तो ब्याज का पैसा कहां से लाए। और इसी के कारण यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भैया आप गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, आप सिक्योरिटी एंड बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या फिर कैश के फॉर्म में भी रख सकते हो, क्योंकि एक साथ पूरे 10% लोग भी पैसा लेने के लिए नहीं आने वाले, ठीक बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब SLR यदि इस फॉर्म में है फिर भी वहां पर प्रॉफिट की क्या होगी, गुंजाइश होगी, ठीक है, मतलब वर्तमान में यदि देखा जाए तो 18% जब ये चल रहा है तो लोगों का जितना भी पैसा जमा होगा उसमें से 18% पैसा को जो है वो सिक्योर करके रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों को अपने पास में जनता की आवश्यकता को पूरा करने के। ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं अगले टूल की ओर जिसको बोला जाता है CRR। अच्छा हाँ, अब मैंने जैसे कि आप लोगों को समझाया था कि भैया यहां पर SLR कोटा का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि क्योंकि जब रेपो रेट के थ्रू हम लोग को लोन लेना है तो कुछ ना कुछ यहां पर कोलेट्रल जो है अपने को गिरवी रखना पड़ता है, ठीक बात है कि नहीं, कुछ ना कुछ कोलेट्रल गिरवी रखना पड़ता है, ठीक। मतलब सपोज कर लो 100 करोड़ है, 100 करोड़ में तो यहां पर बोला गया कि 18 करोड़ SLR के फॉर्म में रहे, 18 करोड़ कौन से फॉर्म में रहे, SLR के फॉर्म में रहे, तो बचा कितना करोड़, ठीक है, बचा कितना, तो ध्यान में रखिएगा कितना बचा, 82 करोड़ बचा। अब इस 82 करोड़ में से सपोज कर लो पूरा 82 करोड़ को यहां पर लोन में बांट दिया गया, अभी समझना है ना, अभी मैंने CRR की कटौती नहीं की, 80 करोड़ पूरा लोन में बांट दिया, तब यहां पर कोई व्यक्ति और पहुंचा कि भैया मुझको लोन की और जरूरत है, तो क्या उस ग्राहक को कमर्शियल बैंक खाली हाथ भेज दे क्या, नहीं, पैसे की व्यवस्था करनी है, कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पर 18 करोड़ की संपत्ति वो रखे, क्या इसको गिरवी रख देंगे क्या, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई का दिशा निर्देश है कि इस 18 करोड़ को नहीं छोड़ोगे बेटा,
और छुओगे तो आपके ऊपर में मैं क्या कर दूंगा, कार्यवाही कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे SLR मतलब रेपो रेट के थ्रू लोन लेना है, सपोज करो इस 82 करोड़ में 50 करोड़ बस लोन में बांट पाए और 32 करोड़ जो है लोन में नहीं बांट पाए। तो ये जब 32 करोड़ लोन में नहीं बांट पाए हो तो क्या इसको अकाउंट में छोड़ दोगे क्या? यदि अकाउंट में छोड़ दोगे तो इसके ऊपर का ब्याज कहां से लाओगे? तो कहने का मतलब इस 32 करोड़ का तुरंत बॉन्ड एंड क्या लिया, सिक्योरिटी लिया। तो जब रेपो रेट के थ्रू जब लोन लेना पड़ता है ना, तो इस पैसे का के द्वारा खरीदे गए बॉन्ड एंड सिक्योरिटी का को गिरवी रखेंगे, ना कि SLR कोटा का। क्योंकि अगर यदि SLR कोटा ठीक है ना का उपयोग कर दिए तो RBI जो है इन लोग के ऊपर में क्या ले लेगा, कमर्शियल बैंकों के ऊपर में एक्शन ले लेगा। ठीक है ना, कैसे एक्शन लेगा, उनका बैंक रेट जो है 3% बढ़ा दिया। ठीक, ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक साल के लिए ज्यादा के लिए होता है, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, जैसे वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं 6.75 के आसपास जो है वो बैंक रेट चल रहा है। ठीक है, एक्शन कैसे लिया गया, उसमें 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा दिया, तो मतलब कितना देना पड़ेगा, 9.75, नेक्स्ट टाइम 5%, मतलब 9 + 5 = 14.75%, थर्ड टाइम में उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मतलब एनी हाउ कमर्शियल बैंकों को वो SLR कोटा जो है मेंटेन करना जरूरी होता ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये क्या है, SLR कोटा। अब आते हैं CRR, व्हाट इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या है ध्यान में रखिएगा, बैंकों को, अब फिर यहां पर बात कर रहे हैं, बैंकों को अपनी अपनी कुल मांग व सावधि जमा का, कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग, कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग आरबीआई के पास ठीक है ना, कैश के फॉर्म में रखना होता है, कैश के फॉर्म में रखना होता है। ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। अभी ध्यान में रखिएगा, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, और ये कौन है ध्यान में रखिएगा, कस्टमर। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा पैसा कहां पे रहता है, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंकों का पैसा कहां पे रहता है, आरबीआई के पास में, कौन सा पैसा, सीआरआर का पैसा। सपोज करो कस्टमर का 100 करोड़ रुपए यहां पर जमा हुआ है, तो कुल NDTL कुल मांग व सावधि जमा कितना होगा, 100 करोड़ होगा। तो मैंने क्या बोला, बैंकों को अपने कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रखना होता है। जैसे वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी है, 4%, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो 4 करोड़ रुपया जो है आरबीआई के पास में कैश के रूप में रखना क्या होगा, जरूरी होगा, एज एन सिक्योरिटी पर्पस। यदि बैंक जब दिवालिया घोषित हो जाते हैं ना, तो इसी 4% पैसे को जो है बांटा जाता है, किनको, जो उनके कस्टमर है उनको, छोटे कस्टमर को सबसे पहले ये जो 4% पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इस 4% पैसे पर आरबीआई जो है कोई भी ब्याज नहीं देगी। कहने का मतलब यदि सीआरआर बढ़ा दें, मतलब 10% कर दें, तो 100 करोड़ में से 10%, मतलब 10 करोड़ आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा, वो भी कैश के फॉर्म में, जिस पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देने वाली। तो कहने का मतलब इससे बैंकों को क्या है, घाटा है। और जैसे जैसे ये सीआरआर की राशि बढ़ा दी जाती है तो बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होते जाती है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कहने का मतलब कुल एनडीटीएल का वर्तमान में 18% हमें SLR के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है, 4% जो है CRR के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है, तो 22% हम लोग को रिजर्व रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब 78% को हम लोग फिर लोन में बांट सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार जो है वो हम लोग चेंज करते रहते हैं। मैक्सिमम जो है
SLR को 40% तक ला सकते हैं और मिनिमम जो है 0% तक। वैसे ही CRR को मैक्सिमम 15% तक ले जा सकते हैं और मिनिमम 0%। इसको आप लोग को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो ये जो है मेन टूल है, इसको घटाने या बढ़ाने से मार्केट में मनी सप्लाई पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में बैंकिंग संबंधी गतिविधियों के लिए नियामक संस्था है, तो मैंने क्या बोला, भारत में वो हायर अथॉरिटी जो है वो कौन है, ध्यान में रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेपो रेट से क्या समझते हैं, रीपर्चेस ऑप्शन रेट क्या है। एक शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर कमर्शियल बैंक या आरबीआई के सारे क्लाइंट जो है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं, वो भी किस आधार पर, प्रतिभूतियों के जमा एवं उनके पुनः क्रय की शर्त के आधार पर। तो चलिए पढ़ते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के स्थान पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। सही बात है, जमा रखना पड़ता है यहां पर। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, ये क्या होगा, गलत, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को इस दर पर ऋण नहीं देते, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन केवल, स्टेटमेंट केवल एक सही है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, रेपो रेट में बढ़ोतरी से हो सकती है। देखो रेपो रेट यदि बढ़ा देंगे तो नीचे लोन रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोन रेट यदि ज्यादा रहेगा तो कस्टमर जो है ज्यादा पैसा किसको चुका रहे होंगे, कमर्शियल बैंकों को चुका रहे होंगे, तो बैंकों की उधार लेने और देने की लागत में वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखो रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंकों की उधार लेने और देने की लागत में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि रेपो रेट यदि बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंकों को भी अपने लोन के रूप में ज्यादा पैसा जो है आरबीआई को चुकाने पड़ेंगे। अगर ये ज्यादा आरबीआई को चुका रहे तो जनता से भी ये ज्यादा वसूलने लगेंगे, तो ये करेक्ट होगा, बैंकों को ऋण देने की लागत कम करें, ठीक है ना, कम होगी, होगा ये, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर भी केवल स्टेटमेंट वन क्या है, सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सीआरआर क्या है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। सीआरआर क्या है भैया, सारे कमर्शियल बैंकों को, ठीक, आरबीआई के पास में एक निश्चित अमाउंट जो है वो कैश के रूप में रखना पड़ता है, इसी राशि को क्या बोलते हैं, सीआरआर। चले पढ़ते हैं, या बैंक जमा का 1% है, जैसे आरबीआई के पास स्वर्ण के रूप में जमा रखते हैं, गलत बात, कैश के रूप में रखते हैं, या रिजर्व बैंक या शेष के रूप में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास में जमा की गई राशि, तो स्टेटमेंट केवल दो क्या होगा, सही होगा, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन एसएलआर के बारे में सत्य है। अभी एसएलआर या स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, तो एसएलआर क्या है दोस्तों, ठीक है, बैंकों को अपनी कुल मांग व सावधि जमा का एक भाग, ठीक है, आरबीआई के पास में रखना क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि जनता की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसे सभी वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखा जाना है, सभी के द्वारा क्या, बिल्कुल नहीं, किनके द्वारा, कमर्शियल बैंकों के द्वारा। इसे तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखा जाना है, इसे गैर नगद के रूप में रखना होगा। अभी देखो इस ऑप्शन के अनुसार यदि बात करते हैं, देखो सभी वित्तीय संस्थान, ठीक, इसमें क्या आएंगे, कमर्शियल बैंक आएंगे, ठीक है, एक हिसाब से यदि हम लोग देखते हैं तो ये ऑप्शन हम लोग को गलत दिखता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा बाकी ऑप्शन को भी पढ़ना ऐसे क्वेश्चन में जरूरी होता है। इसे तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखना होगा, बिल्कुल सही, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, सही बात है। इन्हें गैर नगद के रूप में रखना होगा, इसे नगद के रूप में भी रख सकते हैं और गैर नगद के रूप में भी रख सकते हैं, तो कहने का मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन क्या होंगे, इसके करेक्ट होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्या होता है जब सीआरआर बढ़ाया जाता है। तो देखो सीआरआर जब बढ़ाया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आरबीआई ये है कमर्शियल बैंक है, जब सीआरआर की राशि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कमर्शियल बैंकों को ज्यादा कैश जो है वो आरबीआई के पास में रखना होगा, और यदि ज्यादा कैश यहां पर आरबीआई के पास में रखेंगे तो सीधी सी बात है कमर्शियल बैंक उतना कम लोन दे पाएंगे और मार्केट में मनी सप्लाई उतना क्या होगा, कम होगा।
तो कहने का मतलब इससे मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। दूसरा, इससे पैसों की मांग बढ़ेगी, चूंकि मनी सप्लाई कम है, ठीक है, पैसे कम आ रहे हैं तो पैसों की मांग क्या होगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। और क्या देख रहे हैं, चूंकि पैसे कम है, मनी सप्लाई कम है, तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। कहने का मतलब तीनों ऑप्शन क्या है इसके, करेक्ट है, ऊपर के सभी क्या है, सही है। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, तो ध्यान में रखिएगा उस दर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीमांत स्थायी सुविधा दर को परिभाषित करता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको समझते हैं, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या। चलिए आते हैं, एमएसएफ या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, क्या बोले हम लोग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी एमएसएफ है क्या, तो ध्यान में रखेगा वह ब्याज दर जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वह ब्याज दर जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है ना, यहां पर एक नया टर्मिनोलॉजी आया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो वह ब्याज दर जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से अपने अल्प आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो वह ब्याज दर, तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर अल्प आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक और रेट होता है जिसके थ्रू लोन लिया जा सकता है, वो क्या होता है, रेपो रेट, ठीक है ना। अब ध्यान में होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेपो रेट के थ्रू लोन अगर लेना है तो अपने को लेटरल गिरवी रखना होगा, और इस को लेटरल को गिरवी रखने के लिए हम लोग SLR कोटा का यूज नहीं कर सकते, सही बात है कि नहीं। जैसे सपोज करो इस RRQ को वापस से देखेंगे, ये कौन है RBI, ये कौन है कमर्शियल बैंक, और ये कौन है कस्टमर। मान लो कि कस्टमर का 100 करोड़ जमा है किसके पास में, कमर्शियल बैंकों के पास में। मैंने क्या बोला, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो जनता के पैसों का ही व्यापार करते हैं। अब इस 100 करोड़ में से SLR मेंटेन करना जरूरी होगा 18%, CRR मेंटेन करना जरूरी होगा 4%, मतलब 22% मेंटेन करना जरूरी होगा, 78% को आप लोग लोन में बांट सकते हो, ठीक है। तो यदि लोगों का 100 करोड़ जमा है तो 78 करोड़ को लोन में बांट सकते हो। सपोज कर लो कि सभी पैसे को किसमें बांट दिया गया है, लोन में बांट दिया गया है, ठीक, सभी पैसे को लोन में बांट दिया गया है। कहने का मतलब लोन देने के लिए अब यहां पर कमर्शियल बैंकों के पास में पैसा है क्या, नहीं है, क्योंकि यदि SLR का कोटा का पैसा वो अपने पास में जरूर रखते हैं, लेकिन यदि उसका उपयोग करेंगे और चेकिंग हो गई फोर्टनाइट फ्राइडे को, तो कमर्शियल बैंकों के ऊपर में क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। तो उस कंडीशन में सपोज कर लो जब पूरा पैसा को इन लोग लोन में बांट चुके हैं, तभी एक कोई ऐसा ग्राहक कमर्शियल बैंकों के पास में पहुंचता है, ठीक है, जो काफी क्या देखा जा रहा है, जो काफी पुराना ग्राहक है और बड़े बड़े लोन लेता है अपने कंपनी के लिए और समय पर लोन को वापस भी कर देता है, ठीक बात है कि नहीं। तो क्या कमर्शियल बैंक उनको मना कर दे क्या, यदि मना करेंगे तो फ्यूचर में भैया मना कर दिया करके वो उसके बैंक में लोन लेने ही नहीं पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, क्या SLR कोटा का यूज कर ले क्या, क्योंकि SLR कोटा का यूज करेंगे तो अपने ऊपर में क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे सच कंडीशन से निपटने के लिए जो RBI है बींग एज अ गुड बॉस अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा सच कुछ कंडीशन आए
तो ध्यान में रखिएगा अपने SLR कोटा में आप कमी कर सकते हो, कितनी कमी, NDTL का 1% तक कमी कर सकते हो और सामने वाले को लोन बांट सकते हो। ठीक बात है कि नहीं? तो देखो अटके सटके टाइम पे जो है, ठीक है ना, शेड्यूल्ड बैंकों को RBI जो है ठीक एक बेनिफिट दे रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इसके इक्विवेलेंट होगा किसके, बैंक रेट के इक्विवेलेंट होगा। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए ही देता है, एक दिन, सामान्यतः एक दिन का ही लोन देता है। तो वह ब्याज दर जिस पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अब ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते क्या है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा वह बैंक जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में रखे गए हैं। कहने का मतलब RBI एक्ट 1934, जैसे स्वयं RBI का ठीक है निर्माण हुआ है, तो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जिनको जगह मिला हुआ है, कहने का मतलब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं जो RBI एक्ट में दिया गया, ऐसे बैंकों को क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को बैंकिंग वाली क्लास की ओर आगे समझनी पड़ेगी ये सारी चीजों को, अभी केवल इतना ध्यान में रखो। तो ध्यान में रखेगा ऐसे सच कंडीशन में, ठीक है, उसका ग्राहक ना टूटे करके RBI बीइंग एज अ गुड बॉस जो है वो ये बोलता है कि भैया अपने SLR कोटा में आप कमी कर सकते हो, कितना कमी कर सकते हो, NDTL का 1% तक आप लोग क्या कर सकते हो, कमी कर सकते हो और सामने वाले को लोन दे सकते हो। लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा, ध्यान में रखिएगा बैंक रेट के समान रहेगा। इसको क्या बोला जाता है, MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सीमांत स्थायी सुविधा को परिभाषित करता है, वह दर जिस पर बैंक अपनी अधिशेष निधि RBI के पास में रखते हैं, गलत बात, वह दर जिस पर बैंक अतिरिक्त तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने अतिरिक्त SLR प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधार ले सकते हैं, है ना, द रेट एट विच बैंक कैन बोरो अगेन देयर एक्सेस SLR सिक्योरिटी टू मीट एडिशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। क्लियर ऑन नॉट, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बैंक दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बैंक दर ब्याज दर से भिन्न होता है, बिल्कुल करेक्ट है, बैंक दर जो है ब्याज दर से भिन्न होता है, जो ब्याज है किसी प्रतिभूति पर मिलने वाला वो अलग होता है और बैंक रेट जो है वो अलग होता है। बैंक दर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट दर है, बिल्कुल छूट दर है, क्यों छूट दर, क्योंकि यहां पर कोई को लेटरल गिरवी रखना नहीं होता। ठीक है, कोई यहां पर प्रतिभूति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लॉन्ग टर्म का लोन दे रहे हैं। बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यह भी करेक्ट है। कहने का मतलब ऊपर के सभी ऑप्शंस जो हैं, स्टेटमेंट जो है वो क्या होंगे दोस्तों, करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कदम है जिसे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाएगा, मतलब अधिक इन्वेस्टमेंट, तो लोग जो हैं ठीक है इन्वेस्ट कब करेंगे, जब लोन रेट क्या रहेगा, सस्ता है, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और लोन लेने के बाद में उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वह नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने पर विचार करेंगे, गलत, ठीक है ना। तो CRR यदि बढ़ा देगा तो बैंकों की लोन देने की शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, या नगद आरक्षित अनुपात को कम करने पर विचार करेगा, CRR यदि कम होगा तो बैंक ज्यादा, ठीक है, ध्यान में रखेगा लोन बांट पाएंगे, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के प्रभाव की सही तस्वीर, ठीक है, CRR यदि कम होगा ठीक तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, करेक्ट होगा पहले ऑप्शन,
नेक्स्ट आते हैं, बैंकों द्वारा ऋण सृजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, बैंकों द्वारा ऋण सृजन करने के लिए मतलब यहां पर क्या देख रहे हैं, बैंक जो है ठीक है लोन क्रिएट कर रहे हैं, बैंक अपनी कुल संपत्ति के आधार पर ऋण बनाते हैं, ठीक बात। ठीक, दूसरा भी पढ़ लेते हैं, बैंक अपनी कुल जमा राशि के आधार पर ऋण बनाते हैं, बैंक अपनी कुल प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण बनाते हैं, बैंक शून्य से ऋण बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, बैंक जो है अपनी कुल जमा राशि, मैंने बताया था कुल NDTL के आधार पर जो है ठीक है लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये था मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोर्शन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इतना ही अपने को करना है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको वापस से एक बार रिपीट करिएगा आप लोग। ठीक है, हम उन सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं रेट के थ्रू मार्केट में मनी को कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो RBI करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या काम करती है जिससे मार्केट जो है हेल्दी, मार्केट में हेल्दी कंडीशन बनी रह सके। तब तक के लिए जुड़े रहिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।